हेलो स्टूडेंट्स, हमने हनीड्यू में ये पोएम द आंट एंड द क्रिकेट की रीडिंग करी। आज हम इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन जानेंगे। अ फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर दैट कन्वेज ए मॉरल। तो फेबल, फेबल मीन्स कल्पित कहानी, एक कहानी है। ऑफन अक्सर विद सात एनिमल्स, जानवरों एज कैरेक्टर्स, तो पात्रों के रूप में जानवरों के साथ, दैट जो कन्वेज पहुंचाती है मॉरल, एक आदर्श, एक शिक्षा। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। तो ये कविता अबाउट बारे में एक चींटे और एक झींगुर के कंटेंस लिए हुए है एन आइडिया, एक विचार, एक दूरदर्शी सिग्निफिकेंस, महत्व का, विच इज़ जो है एज ट्रू, उतनी ही सच, ऑफ ए फोर लेग्ड क्रिकेट, चार पैरों वाले झिंगुर के बारे में, एज ऑफ ए टू लेग्ड वन, जितना कि दो पैरों वाले क्रिकेट के बारे में। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स, निश्चय ही यू हैव सीन, तुमने देखा होगा झिंगुर That has two legs, जिसके दो पैर होते हैं। A silly young cricket accustomed to sing, एक silly मूर्ख young cricket, युवा cricket झिंगुर, accustomed अभ्यस्त था to sing गाने का, through पूरे the warm गर्म sunny months धूप भरे महीनों of gay प्रसन्न करने वाले summer and spring, तो पूरे गर्म धूप भरे महीनों, किसके, गर्मी और बसंत के प्रसन्न करने वाले गर्म धूप भरे पूरे महीनों में गाने का अभ्यस्त रहा, यानी कि वो गाता रहा। बिगेन टू कंप्लेन, बिगेन शुरू कर दी, टू कंप्लेन शिकायत करना, व्हेन जब ही फाउंड, उसने पाया कि एट होम घर पर हिज कबर्ड, उसका जो अलमारी है वो एम्प्टी खाली थी और विंटर वॉज कम, और शीत ऋतु आ गई थी। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, तो स्नो कवर्ड बर्फ से ढकी हुई ज़मीन पर एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं पा सका। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, न तो उसे कोई फूल दिखते थे, और नॉट ए लीफ ऑन ट्री, और न ही पेड़ पर कोई पत्ती। ओ वॉट विल बिकम, अरे अब क्या होगा, सेज द क्रिकेट, झिंगुर ने कहा, ऑफ मी, मेरा। एट लास्ट अंत में, बाय स्टारवेशन, भुखमरी एंड फेमाइन, अकाल से मेड बोल्ड, दुस्साहसी होते हुए, ऑल ड्रिपिंग विद वेट, पानी में भीगते हुए, बूंदों में भीगते हुए, एंड ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपते हुए, अवे ही सेट ऑफ, वह चल पड़ा टू ए माइजरली आंट, एक कंजूस चींटे के पास, टू सी देखने को, इफ यदि, टू कीप हिम अलाइव जीवित रखना, उसे जीवित रखने को, ही वुड ग्रांट, वो दे देता है, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसे बारिश से शरण दे देता है, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मुट्ठी भर, माउथफुल मीन्स या मुट्ठी भर से है, और अनाज दे देता है, ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो केवल विश्ड चाहता है, बोरो उधार लेना, हीड ही वुड रिपे यानी कि दोबारा से दे देना, इट टुमारो, वो इसे कल को दे देगा, इफ़ नॉट यदि वो नहीं देता है, तो ही मस्ट डाई, वो अवश्य मर जाएगा, स्टारवेशन एंड सोरो, भूख और दुख से। सेज द आंट टू हिम द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, सेज, कहता है चींटा झिंगुर से कि मैं तुम्हारा सेवक, सर्वेंट, सेवक और दोस्त हूँ, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन हम चींटियाँ कभी नहीं उधार लेती हैं और न कभी और कभी नहीं लैंड ऋण देती हैं, बट टेल बताओ मी मुझे, डियर क्रिकेट, प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने, ले मीन्स बचा कर रखा, नथिंग कुछ भी नहीं बचा कर रखा, व्हेन द वेदर वॉज वॉर्म।
जब वेदर मौसम व्यवस्था वार्म गर्म, क्वाथ द क्रिकेट नॉट आए, क्वाथ मीन्स कहना, ओल्ड इंग्लिश में क्वाथ यूज़ किया जाता था, तो कहा झिंगुर ने, नहीं मैंने कुछ नहीं बचा के रखा, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो दिल था वो बहुत प्रसन्न था, प्रसन्नता से हल्का था, दैट जिससे आई सेंग डे एंड नाइट, जिसे मैं रात दिन गाता रहा, सेंग सिंग का पास्ट टेंस है, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, सारी प्रकृति मुझे गे प्रसन्न दिखती थी, यू सेंग सर यू से, सिंग का पास्ट टेंस सेंग हो, सर महोदय यू से तुम कहते हो कि तुम गाते रहे, गो देन जाओ फिर, से इज द आंट चींटे ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, और विंटर को जो है शीत ऋतु को जो है नाच कर बिता दो, दस एंडिंग, दस इस प्रकार एंडिंग समाप्त करते हुए ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, उसने जल्दी से लिफ्टेड उठाया, विकेट उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से बाहर टर्न, मोड़ दिया बेचारे छोटे झिंगुर को, बाहर कर दिया यानी कि, फोक्स कॉल दिस इट फेबल, आई एल वॉरेंट इट ट्रू, फोक्स का मतलब है लोग, लोग कहते हैं कि एक कल्पित कहानी है, फेबल कल्पित कहानी है, लेकिन मैं इसे सही में सही होना उचित ठहराऊंगा, आई एल वॉरेंट।